देश की ऑटोमोबाइल कंपनी यानी महिंद्रा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी पॉपुलर महिंद्रा केयूवी 100 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है, जिसकी भारतीय बाजार में एक्स शोरूम कीमत 5 लाख रुपए के अंदर एक्स शोरूम प्राइस के साथ होने वाली है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि महिंद्रा ने अपने केयूवी 100 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को काफी पहले ही लॉन्च करने का भारत में फैसला ले लिया था, मगर कोविड-19 के चलते इस कार की पूर्ण रूप से लॉन्चिंग को टाल दिया गया। मगर भारतीय बाजार में महिंद्रा अपनी कुछ अन्य नई एसयूवी के साथ भी मार्केट में लॉन्च करने की तैयारियों में लगी हुई है, जिसमें महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एक्सयूवी 200 से लेकर एक्सयूवी 700 को जल्द से जल्द आने वाले कुछ ही हफ्तों में भारत में लॉन्च भी किया जाना है। आप सभी को बता दें कि महिंद्रा केयूवी 100 एनएक्सटी नेक्स्ट जनरेशन को डुअल टोन दो कलर ऑप्शंस के साथ भारत में नए अवतार में लाया जाएगा और ये वेरिएंट महिंद्रा की इसी कार के टॉप एंड की एक ट्रिप मॉडल में होने वाला है, जिसकी कीमत मोनोटोन कलर वेरिएंट ऑप्शन से आप सभी के लिए 7,500 रुपए ज्यादा रखी गई। यानी महिंद्रा की यूवी 100 नेक्स्ट जनरेशन डुअल टोन एसयूवी सेगमेंट में काफी जबरदस्त नजर आने वाली है, जो कि ब्लैक रूफ के साथ ही साथ रेड बॉडी और ब्लैक रूफ कलर कॉम्बिनेशन द्वारा येलो ऑप्शन से भी अपडेट करके लाई गई है। यानी पुरानी बोरिंग स्टाइल तथा लुक के मामले में अब इस कार को नए कलर ऑप्शंस के साथ ही साथ नए अपडेट डिजाइन के साथ भी लॉन्च करने का पूर्ण रूप से भारत में फैसला कर लिया है। मिलेगा आप सभी को बेहतर डिजाइन तथा काफी पावरफुल। तो महिंद्रा की आने वाली केयूवी 100 एनएक्सटी नेक्स्ट जनरेशन डुअल टोन डिजाइन के मामले में काफी स्पोर्टी नजर भारत में दूसरी कारों से आ रही है, तथा मार्केट में इस कार को पूर्ण रूप से एक्सयूवी 300 से भी काफी यूनिक तथा एसयूवी डिजाइन के साथ अपडेट किया है। पुराने मॉडल की बॉक्सी डिजाइन के चलते इस कार को काफी ज्यादा लोगों द्वारा पसंद भी नहीं किया जाता था, मगर अब फाइनली इस कार के नए अवतार को देखने के बाद आप इस कार के जरूर से दीवाने भी होने वाले हैं। हालांकि दोनों में इसमें जितने भी बदलाव देखने को आप सभी को मिलते हैं, उनमें से इसके कॉम्पैक्ट एसयूवी को लुक को बेहतरीन बनाते हुए डिजाइन को डेवलप किया गया है। इसके साथ ही स्लोपिंग रूफ रील तथा क्रोम फिनिशिंग ग्रिल ऑप्शन के साथ नए अवतार में दिखाया गया है। इस जबरदस्त कार के अंदर आप सभी को हैवी मस्कुलर बोनट स्लिक एलईडी लैंप्स के साथ एलोजोंटिक हेड लैंप्स द्वारा संचालित करते हुए एलईडी डीआरएल्स को भी शामिल कंपनी ने सेटअप ऑप्शन के साथ किया है। यानी कुल मिलाकर कहे तो ये डिजाइन तथा स्टाइल के मामले में पूर्ण रूप से भारत में मौजूद कई अन्य एसयूवी कारों को कड़ी टक्कर देने वाली है। सबसे पहले अगर इस दमदार एसयूवी कार के इंटीरियर नहीं बल्कि इंजन तथा पावर और ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो महिंद्रा की यूवी 100 एनएक्सटी नेक्स्ट जनरेशन डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ आने वाली इस एसयूवी को BS6 मानकों के तहत कंप्लीट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले 1.3 लीटर के F महा टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित भारत में किया गया है, जो कि भारत के ग्रामीण से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों में आप सभी को 115 PSP का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। महिंद्रा की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी केयूवी 100 नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आप सभी को 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का विकल्प मिलता है। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी का दावा है कि पावर के मामले में ये कार अपने सेगमेंट के हिसाब से सबसे जबरदस्त एसयूवी कार भारत के लिए होने वाली। इंटीरियर तथा फीचर्स की तरफ गौर किया जाए तो महिंद्रा की आने वाली छोटी एसयूवी कार नेक्स्ट जनरेशन एक्सयूवी 100 को नए अवतार के साथ भारत में लाया जा रहा है, जिस कार के अंदर आप सभी को ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ डैशबोर्ड दिखाई देता है। सेंट्रल कंसोल में आप सभी को छोटा नहीं बल्कि पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन को ऑफर किया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम वॉइस कंट्रोल रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा संचालित किया है। इस कार के अंदर आप सभी को स्टीयरिंग माउंटेन ऑडियो और फोन कॉलिंग कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ हाई एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट ऑप्शंस देखने को मिलती है। मार्केट में ये 6 सीटर वेरिएंट ऑप्शन के साथ 5 सीटर वेरिएंट ऑप्शन में भी आती है, जिसमें आप सभी को बेहतरीन सीटों के द्वारा अपडेट किए गए लेदर फैब्रिक द्वारा संचालित करके डेवलप किया गया है। इस कार में साथ ही साथ आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की सुविधा दोनों साइड में मिलती है। साथ ही साथ 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन को भी इस कार के अंदर मुहैया करवाया गया है। इस कार के अंदर आप सभी को टॉप वेरियंट के अंदर सनरूफ की सुविधा भी पहली बार इस सेगमेंट के अंदर दिखाई दे रही है, जो कि वाकई में ही अपने सेगमेंट के हिसाब से छोटी एसयूवी के नाते जबरदस्त बात भारत में हो चुकी है।
गई है। ब्रेकिंग सिस्टम डायमेंशन और सस्पेंशन की बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में KUV100 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑप्शन के साथ रियर में भी डिस्क ब्रेक ऑप्शन के साथ संचालित किया गया है, यानी दोनों तरफ आप सभी को डिस्क ब्रेक की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ पुराने मॉडल में इस कार में आप सभी को बैक साइड में ड्रूम ब्रेक की सुविधा मिलती थी। वही डायमेंशन की बात करें तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय बाजार में आने वाली महिंद्रा की KUV100 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को पूर्ण रूप से बड़ा डिजाइन पुराने मॉडल की तुलना में किया गया है, यानी डायमेंशन के मामले में अब पुराने मॉडल की तुलना में इस कार की लंबाई 4,700 mm, चौड़ाई की बात करें तो 2,735 mm और ऊंचाई की बात करी जाए तो 1,655 mm रखी गई है। फ्रंट में आप सभी को 1,490 mm, रियर टैंक की बात करें तो 1,485 mm का रखा गया है। भारत में इस कार का व्हील बेस आप सभी को 2,385 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 1,700 mm और फुल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 35 लीटर का देखने को मिलता है, यानी पूर्ण रूप से पुराने मॉडल की तुलना में हर चीज साइज के मामले में इस कार को मस्कुलस बड़ा डिजाइन किया गया है। ये तो होगी इस जबरदस्त कार के फीचर्स की बात। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मार्केट में आने वाली KUV100 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को काफी प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स द्वारा भी संचालित करके भारत में लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। इस कार में आप सभी को काफी एडवांस सेफ्टी फीचर्स को अपडेट करते हुए डेवलप किया गया है। इस कार को अल्फा प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित करते हुए कार की बॉडी को 70% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट करके डिजाइन किया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में आने वाली XUV700 को भी इसी प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित करके भारत में लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस कार के फ्रंट में आप सभी को पूरे 4 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, EBD के साथ EBS रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक कैमरा, IFSO फिक्स्ड चाइल्ड लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अपडेट बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को मुहैया करवाया गया। इस कार में एडवांस फंक्शंस के द्वारा इस नए अवतार को लॉन्च करने का भारत में महिंद्रा ने फैसला ले लिया है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें जिसका था आप सभी को पूर्ण रूप से इंतजार, तो आप सभी के लिए आपकी चहेती यानी KUV100 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को हम सभी के लिए 28 अगस्त को फाइनली लॉन्च किया जा सकता है, जिस दौरान XUV700 को भी मार्केट में 16 अगस्त को फाइनली लॉन्च किया जा रहा। कीमत की बात करें तो ये पहली ऐसी सेगमेंट की कार होने वाली जो कि महिंद्रा रीजनेबल प्राइस रेंज के चलते मार्केट में लॉन्च कर रही है, यानी आने वाली XUV200 के मुकाबले ये कार थोड़ी सी और सस्ती होने वाली है। मार्केट में इस कार की कीमत 5 लाख रुपए के अंतर्गत एक्स शोरूम प्राइस के साथ मुहैया करवाई गई है। डुअल टोन तथा सनरूफ वाले वेरिएंट को बाय करते हैं तो उसमें करीबन आप सभी को 25,000 से 30,000 रुपए का अंतर बढ़ोतरी में देखने को मिल सकता है। जबरदस्त कार की प्री बुकिंग भी महिंद्रा ने आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी है, यानी XUV KUV100 के चाहने वाले लोगों आप इस कार को जरूर आसानी से आज ही घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए ताकि मैं आप सभी को आपके नजदीकी शोरूम का एड्रेस दे पाऊं, जहां पर आप विजिट करके पूर्ण रूप से इस कार की जानकारी लेकर अपने लिए जल्द से जल्द बुक कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।